हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। यार हीरो हो तो रजत जैसा। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के रजत की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सीरियल वाले रजत ने अब तक भला ऐसा क्या ही कर लिया कि हम कहें कि वो दी बेस्ट है। तो यार आने वाले एपिसोड में जब रजत को आप देखने वाले हैं ना, आप कहेंगे कि भाई यही तो हमें चाहिए था सभी के लिए। सभी यही डिजर्व करती थी जो सीरियल के मेकर्स ने आज तक सभी के लिए नहीं किया, फाइनली वो मिल चुका है सभी को। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा हीरो जो कि यहाँ पर दुनिया चाहे खिलाफ हो हीरोइन के, लेकिन उसके साथ डटकर खड़ा रहता है और यहाँ पर दिखाता सबको है कि वो भी अगेंस्ट है, लेकिन वो कर रहा होता है इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर हीरो तब तक हीरो कहाँ जब तक एक्शन ना दिखाए, विलन को दौड़ा दौड़ा कर ना मारे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आने वाले एपिसोड में हमारा रजत कर डालेगा। अब यहाँ पर जिगर को बहुत जिगरा चाहिए रजत ठक्कर से टकराने के लिए, लेकिन ये बात बेचारे को पहले समझ में नहीं आई है। सभी के साथ बदतमीजी कर दी है और सभी को ही उल्टा फंसा दिया है। आने वाले एपिसोड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लड़की है ना, जो कि जिगर को पहले से जानती है, कैनेडा से उसके साथ आई है, वो लड़की सभी को तो सारा सच बता चुकी है, लेकिन यहाँ पर जिगर को पता चल जाएगा कि इस लड़की ने पक्का मुंह खोला होगा, क्योंकि सभी जाकर उससे स्कूल में कुछ ना कुछ मिली होगी, बातचीत तो हुई होगी। तो जिगर क्या करने वाला है कि उस लड़की को ही बहुत धमका देगा कि अगर तुम्हें अपनी माँ का इलाज कराना है ना, और तुम चाहती हो कि इलाज होने के बाद भी वो जिंदा रहे, तो सभी के खिलाफ तुम्हें बयान देना होगा। वरना सोच लो, पैसे मिल भी गए, इलाज करा भी लिया, लेकिन मैं छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हारी माँ को, और तुमको तो क्या करोगे जिंदा रह कर भी, जब मैं मार ही दूंगा। तो यहां पर वो लड़की डर के मारे जिगर की जगह सभी को फंसा देगी और आरोप लगा देगी कि सभी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं जिगर के खिलाफ नहीं बोलती हूं तो वो मेरी मां को मार देगी। अब यहां पर जब तक घर के अंदर झूठ चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था, सभी को लोग गलत समझ रहे थे, लेकिन अब जब बाहर लोगों ने सभी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है तो यहां किसी का दिमाग तो खटकेगा ना यार, ये क्या हो गया। कल तक जिस सभी को अवार्ड पे अवार्ड मिलते जा रहे थे, आज हर कोई सभी के खिलाफ बोल रहा है। अब यहाँ पर रजत भी वापस आ जाएगा दिल्ली से और यहाँ पर घर वाले पहले उससे पूछने वाले हैं कि पूरी रात वो आशिका के साथ तू कर क्या रहा था। अब यहाँ पर वो बताने वाला है कि जो कियान है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो मुझे भाव तक नहीं देता, बट मैं उसके पास ही बैठा रहा। अब यहाँ पर सभी को जेल से छुड़वा कर रजत तुरंत ही ले आएगा। रजत ठक्कर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, दी रजत ठक्कर है, वो सीईओ ऑफ द ईयर है। अब यहाँ पर घर पर आने के बाद सेम टू सेम ड्रामा शुरू। सभी तो सभी है, कड़क अंदाज लेकर हमेशा से बड़ी हुई है। वो साफ कह देगी कि जिगर है ना ये टुच्चा पुच्चा गुंडा है और इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, और यहाँ पर इसने ही जो है मुझे जेल भिजवाया, और जहां पर कनाडा में जो लड़की थी ना, असल में इसने उसको मॉलेस्ट किया था, और यहाँ पर वो लड़की मुझे सारे सच बता चुकी थी, लेकिन इसने उनको धमकाया और उसे ही अंदर करवा दिया, मुझे ही अंदर करवा दिया। और यहाँ पर ये सारा सच जब सभी बताने वाली है तो यहाँ तारा भड़क जाएगी। अब तारा भड़क जाएगी तो अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा देगी, उसे भी सुनाने लग जाएगी। अब यहाँ पर रजत सारी सिचुएशन को एकदम देखने वाला है और सभी को ही डांट लगाने वाला है। और फिर लो आप लोग कहेंगे कि यार ये रजत ठक्कर तो बड़ा बेकार इंसान है, अभी भी सभी के ऊपर शक कर रहा है। अब यहाँ पर सभी को जो है घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर ईशा मैम, शांतनु, ये लोग सभी को ले जाएंगे, बिकॉज उनके पता है कि उनकी सभी कभी गलत हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही है, इन्हीं सब चीजों के बीच में सभी को जो है फिर से कोर्ट केस में तो फंसना पड़ेगा। अब यहाँ पर सभी को सजा ना मिले इसके लिए हमारा जो रजत है वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। अब जिगर को लग रहा है कि सिचुएशन सारी सॉर्ट हो चुकी है, रजत खिलाफ है सभी के और यहाँ पर क्या ही कर लेगा। लेकिन यहाँ पर रजत उस लड़की के घर पर पहुंचने वाला है जो कि बयान देकर अचानक से गायब हो चुकी है, और यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो है रजत ये साबित कर देगा आने वाले 4 से 5 एपिसोड में, जब भी ये ट्रैक शुरू होगा, कब सीरियल मेकर शुरू करते हैं ये देखना होगा, लेकिन ट्रैक शुरू होने के 4 से 5 एपिसोड के अंदर ही रजत की इन्वेस्टिगेशन रंग लेकर आने वाली है। और यहाँ पर जिस सभी को सजा दिलाना चाहता है वो जिगर, वो खुद जेल के अंदर होगा। बट यहाँ पर इतना आसान तोड़ी यार, ट्विस्ट तो यहाँ पर भी मौजूद है। अब वो ट्विस्ट क्या है चलिए वो भी मैं बता ही देता हूं। अब देखो यहाँ पर घर के अंदर एक ना एक भेदी जरूर होता है जो कि यहाँ पर लंका को आग लगवा देता है। वेल यहाँ पर विभीषण जी ने तो सत्य का साथ दिया था, लेकिन रजत के घर में जो भेदी है ना वो सत्य का साथ नहीं बल्कि असत्य का ही साथ देता है। अब यहाँ पर देखो जो
हरिणी की माँ है मतलब सासू माँ है वो जो है उसे सारी सिचुएशन पता चलेगी कि सभी के ऊपर ये आरोप लगे हैं। अब यहां पर वो बड़ी खुश होकर जो है सभी का मजाक बनाने के लिए आशिका और अर्श गुजराल तक ये न्यूज पहुंचा देगी। अब वो न्यूज पहुंचा देगी तो आशिका पूरी कोशिश करेगी कि बस सभी जेल में ही रहे और सभी जेल से बाहर ना आए ताकि रजत और सभी की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही एंड हो जाएगी। जब सामने वाली बंदी नहीं रहेगी तो लव स्टोरी किससे बनाएगा रजत, तो यहां पर वो देने वाली है जिगर का साथ। यानी कि ये कहें कि जब एक विलेन आता है ना तो दुनिया के सारे विलेन एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं और सच बेचारा अकेला खड़ा रहता है और सब जब सच की फाइनली पिट कर मार खाकर जीत हो जाती है तो सभी लोग आते हैं कि हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें गलत समझ लिया। अरे भाई पहले साथ दिया करो, सच का अगर किसी पर विश्वास है तो पहले से करो, बाद में जाकर रोना धोना मचाने से क्या मतलब। वेल अब टीवी सीरियल है, देखो ट्विस्ट जरूरी है और विलेन का ताकतवर होना भी उतना ही जरूरी है, वरना सीरियल की स्टोरी भला आगे कैसे बढ़ेगी। अब यहां पर जिगर का साथ देने के लिए अर्श गुजराल वहां पर मौजूद है, आशिका वहां पर मौजूद है और यहां पर जिगर को भी जेल होने तो वाली है लेकिन उससे भी जो अर्श गुजराल है वो कुछ ही दिनों में छुड़ा लेगा और तुरंत प्रभाव से छुड़ा लेगा। अब इसके बाद जिगर को लग रहा है कि मेरे साथ तो मेरे बॉस आ चुके हैं, अर्श गुजराल मेरा साथ दे रहा है, वाला मेरा कौन क्या ही बिगाड़ देगा। अब यहां पर वो कोशिश करेगा सभी से फिर से बदतमीजी करने की लेकिन भूल गया है रजत ठक्कर के वो डायलॉग शायद जिगर ने नहीं सुने हैं जिसमें वो कहता है कि रजत ठक्कर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन रजत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी फैमिली से कोई टकराए। अब यहां पर रजत की फैमिली से टकराएंगे तो मार तो खानी ही पड़ेगी और रजत भी सड़क पर दौड़ाकर मारेगा भी। अब यहां पर वही हमारा रजत ठक्कर करने वाला है सीरियल के अंदर, जैसे ही बदतमीजी करने वाला है रजत देखेगा नहीं पुलिस वाले हैं, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, क्या है, रजत दौड़ा दौड़ा कर यहां जिगर को मारने वाला है और यहां पर बहुत नेक्स्ट लेवल सीन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो एक्साइटमेंट में आकर मैं इतना आगे आ गया, मैंने सारी चीजें लगभग आपको बता दी कि ट्रैक किस तरीके से जो है लाइन पर आने वाला है एंड यहां पर ये सीन देखना है तो आपको देखो सप्ताह भर मेरे ख्याल से वेट करना पड़ेगा, बाकी सीरियल के मेकर्स की स्पीड पर डिपेंड करता है क्योंकि आज का एपिसोड देखकर आपको साफ समझ में आ गया होगा कि आज का एपिसोड सीरियल के मेकर्स ने खींचा है क्योंकि वो जानते हैं अपकमिंग ट्रैक जो है वो टीआरपी भी ला सकता है, ऑडियंस भी ला सकता है और लोगों को कनेक्ट कर सकता है ताकि क्योंकि उन्हें अब स्टोरी मिल चुकी है सीरियल के अंदर और जहां पर स्टोरी मिल जाती है ऑडियंस रिलेट कर जाती है, सोशल मीडिया पर बातें होने लग जाती है, इसका मतलब मजे ही मजे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, टीआरपी और टीआरपी को कभी भी सीरियल के बेकर्स अंडरएस्टिमेट नहीं करते हैं, जितना मौका होता है उसे बटोरने का प्रयास जरूर करते हैं। यानी कि ये कहें कि सीरियल को मैं किसी के प्यार में का आने वाला एपिसोड हम लोगों के लिए जितना एक्साइटमेंट भरा है, हम लोगों के लिए जितना शानदार होगा उतना ही सीरियल के मेकर्स के प्रोड्यूसर्स के लिए भी होगा क्योंकि उन्हें भी देखना है कि अगर हम कहानी का उपयोग करें, ट्विस्ट लेकर आएं, स्टोरी पर जोर दें, ज्यादा फनी मोमेंट दिखाने के साथ साथ स्टोरी भी हम लोग दिखाएं तो यहां पर टीआरपी किस तरीके से मोड़ लेती है। अब यहां पर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि टीआरपी ऊपर जाएगी, वेल वो आने वाले 2 सप्ताह के अंदर पता चलेगा जब टीआरपी आएगी क्योंकि टीआरपी 1 सप्ताह लेट चलती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके क्या विचार है, लगता है टीआरपी ऊपर जाएगी कि मैं किसी के प्यार में 5 नंबर से ऊपर जाएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा एंड आप लोग कितने एक्साइटेड है ये भी बताइए एंड यस कोई भी सवाल तो शेयर कर जरूर जाना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको पहुंचाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।